नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। चुनावी दौरा होगा खरगोन और खंडवा सीट के लिए राजनाथ सिंह आज हुंकार भरने वाले हैं। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ठिकरी का दौरा है और ठिकरी में जनसभा को संबोधित कर चुनावी हुंकार भरेंगे राजनाथ सिंह। खंडवा के पुनासा में भी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे और दोपहर करीब 12:30 पर वे ठीकरी पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के लिए मांगेंगे वोट और साथ ही खंडवा भी पहुंचेंगे और खंडवा से प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में वोट की अपील करेंगे राजनाथ सिंह। और आज ये दो प्रमुख जगहों पर दौरे होंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, वोट की अपील करेंगे। बड़ी खबर, ठीकरी और पुनासा में राजनाथ सिंह की जनसभा होने वाली है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भिंड आ रहे हैं। वे एमजेएस मैदान पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस संगठन ने जोरों शोरों से तैयारियां कर ली हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि सभा में करीब 20,000 लोग आ सकते हैं। राहुल दोपहर करीब 12 बजे एसएएफ मैदान पहुंचेंगे। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें करीब 500 जवानों की तैनाती कर दी गई है और भिंड दतिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को अपना प्रत्याशी बनाया है और उनका मुकाबला मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय से होगा। भिंड दतिया लोकसभा सीट पर करीब 35 साल से बीजेपी का कब्जा है और जहां इस बार तीसरे चरण में यानी 7 मई को होने वाले मतदान के दिन अब जनता किसे चुनेगी ये भी देखना होगा। वैसे में राहुल गांधी की आज कोशिश ये होगी कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जाए। आज से हम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे तूफानी चुनावी दौरा। विदिशा और मुरैना साथ ही भोपाल सीट पर भरेंगे हुंकार। आज विदिशा के रायसेन में सीएम की चुनावी सभा होनी है। रायसेन के बाद मुरैना के विजयपुर में भी सभा करेंगे और शिवपुर में भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शाम को भोपाल के बैरसिया में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और कांग्रेस के दिग्गज आज छत्तीसगढ़ में अपना पूरा जोर लगाएंगे। जांजगीर में कांग्रेस अध्यक्ष की मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली होनी है। बता दें कि खड़गे चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, अंबिकापुर दौरे पर आएंगे। सचिन पायलट सरगुजा सीट पर कांग्रेस के लिए जोर लगाएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां आज अंबिकापुर के दौरे पर सचिन पायलट रहने वाले हैं और साथ ही सरगुजा सीट पर कांग्रेस के लिए आज जोर लगाते हुए दिग्गज नजर आने वाले हैं। तो ये जो चुनाव प्रचार का एक रेला चल पड़ा है ये दोनों ही दलों की तरफ से है, चूंकि चुनावी संग्राम इस वक्त अपने चरम पर है और इन्हों चूंकि दो चरणों के चुनाव से कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को कुछ कुछ उम्मीदें हैं और तीसरे चरण में जो दो चरणों की वोटिंग हुई है उसका उत्साह भी अगर समाहित कर लिया जाए तो उसी का ये परिणाम। और मुरैना में वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा और तगड़ा झटका लगा, चूंकि आज बीजेपी में राम निवास रावत शामिल हो सकते हैं। दरअसल सीएम की मौजूदगी में वे बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राम निवास रावत। विजयपुर से 6 बार विधायक रह चुके हैं राम निवास रावत, जो कि अब बीजेपी के होने वाले हैं, यानी कि बीजेपी की आज सदस्यता ले लेंगे। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विजयपुर से 6 बार के विधायक रह चुके राम निवास आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दरअसल भोपाल समेत देश के कई अन्य विमानतलों यानी एयरपोर्ट्स और एयरक्राफ्ट्स में बम होने की सूचना मेल करके दी गई थी, जिसके बाद भोपाल एयरपोर्ट पर सर्च किया गया और एयरक्राफ्ट्स को भी सर्च किया गया, पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया क्या इस तरह की कोई परिस्थिति बन रही है, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 507 और वायुयान अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली है। हालांकि जांच पड़ताल अभी जारी है।
और बढ़ते आगे, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के अंबिकापुर दौरे को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने निशाना साधा है। रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस के बहुत नेता घूम रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस एक तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता आए, अब राम जी की सवारी निकल चुकी है और ये थमने वाला नहीं है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता घूम रहे हैं, उनको कोई देखने सुनने के लिए कोई जा नहीं रहा है। ये स्थिति होगी जो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी नेता है। अयोध्या राम की सवारी निकल चुकी है और ये थमने वाले नहीं है। ये पूरा हिंदुस्तान जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमलमय ही हो गया है, अभी हो रहा है। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। आपको लेना है हिस्सा न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट में, और आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए, सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, इस तस्वीर को देखकर आपको पहचानना है कि आखिर ये कौन है और उसका जवाब आपको देना है। ये तस्वीर देखिए और इन्हें पहचानिए। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो एक संकेत आपको दे देते हैं। संकेत यह है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस नेता की सक्रियता देखी जा रही है। 9990898918 पर आप मिस कॉल दीजिए या फिर QR कोड को कीजिए स्कैन, दीजिए आसान से सवाल का जवाब और जीतिए शानदार उपहार। चुनाव के बीच पीएम मोदी ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ईवीएम ईडी पर पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम का जवाब सुप्रीम कोर्ट दे रही है। रही बात ईडी और सीबीआई की, तो 2014 में ईडी सीबीआई कांग्रेस ही के पास थे। अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो क्या कांग्रेस हारती? एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बातों का जिक्र किया। ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते, क्या कहेंगे आप? ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो हार क्यों गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश एक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते भाई, जरा करके देखो, ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या क्या दुनिया को मूर्ख बना। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी बातें करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। मोदी जी थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक बात चौकस है जी, मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको इसलिए मैं समझता हूँ शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे,
शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है ये कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। और हुआ वैसा ही है, बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी, लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं उनका, कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी उनका, कुछ बचेगा ही नहीं जी। जी, एक सवाल और, आप इसका पार्ट जवाब दे चुके हैं इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूंगा। ऑपोजिशन कांग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरकार जो है ईडी सीबीआई इंटेलिजेंस एजेंसी इसका इस्तेमाल कर रही है, आपने कहा है कि ईडी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है, जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%, 97% अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के इन संस्थाओं का जन्म क्यों हुआ है भाई? अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए, वो तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत, तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न ले जी, सचमुच में देश में चर्चा होनी चाहिए कि पहला एक जमाना ऐसा था आपको आरोप लगता था ना तो भी हल जाते थे, आज गुनाह सिद्ध हो चुका, सजा हो चुकी, फिर भी आप हाथ ऊंचा कर करके फोटो निकलवा रहे हो, आप भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हो। इस देश में ये आलोचना का विषय होना चाहिए, भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, वरना इस देश का बहुत नुकसान होगा जी। ये सवाल बीजेपी और अदर्स का माना नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है कि आप इसको न्यू नॉर्मल बना दें। और मैं देख रहा हूँ धीरे 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 ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, हाँ ठीक है यार वो तो चलता रहता है, यही तो देश, गरीब आदमी मर रहा है जी, हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए कंट्री का, वो नहीं हो रहा है जी। और मैं तो मानता हूँ कि भाई देखिए, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, एक सिस्टम को पॉलिसी ड्रिवन बनाओ, टेक्नोलॉजी को भरपूर लाओ। आज हमने पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुँचता है जी, आज मैं कहता हूँ 1 रुपया जाता है पूरे 100 पैसे पहुँचते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट पे ट्रांसफर, क्यों? सिस्टम को सुधारो भाई। हमने जेम पोर्टल बनाया, करप्शन को कम करने की दिशा में हमारा बहुत बड़ा कदम है जी। दूसरा, समाज को भी जगाओ, समाज को भी आदत डालो कि भ्रष्टाचार बुरा है, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए। और देश में वो वातावरण बन रहा है, पॉलिटिकल लोगों को डर नहीं है। और मैं मानता हूँ उसमें कुछ मात्रा में ये जो सिर्फ हमारा विरोध है इसलिए उनका समर्थन कर देना, ये शोभा नहीं देता है भाई। और अब बात करेंगे गरियाबंद से बड़ी खबर की, जहां जीजा ने साले की बेरहमी से हत्या कर दी है, कुल्हाड़ी से साले की गर्दन पर वार किया गया। दरअसल खाने को लेकर पत्नी के साथ और साले के साथ विवाद हुआ था, दरअसल आरोपी जीजा को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पूरा ये घटनाक्रम सामने आया गरियाबंद से, जहां पर आपस में ही लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ और अपनी पत्नी के भाई की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर देने वाला शख्स जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि विवाद कुछ खाने को लेकर हुआ था और इस दौरान आरोपी जीजा ने कुल्हाड़ी उठाकर साले पर हमला कर दिया। और खबर राजनांदगांव से, जहां पर रेल मुसाफिरों की काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे ने 14 ट्रेन्स को
कैंसिल कर दिया है। 30 अप्रैल तक कैंसिल रहेंगी ट्रेनें। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का असर है और आप देखिए कि इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है और इसकी वजह से 14 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ी जरूर हैं, लेकिन आप पूरी जानकारी पहले देख लें कि आप जिस ट्रेन से सफर कर रहे हैं वो ट्रेन चल भी रही है या नहीं, और उसी के बाद अब आगे का प्लान तैयार करें कहीं भी जाने के लिए। तो 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। 30 अप्रैल तक कैंसिल रहेंगी ट्रेनें। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग काम के चलते ये ट्रेनें रद्द हैं और इसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो इस ट्रेन से आवाजाही का प्लान बना रहे थे। हालांकि अभी 14 ट्रेन्स के कैंसिल हो जाने से काफ़ी यात्रियों की प्लानिंग खराब हो सकती है। उन्हें या तो वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी या फिर जो आवाजाही है उसे स्थगित भी करना पड़ सकता है। कैंसिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 14 लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 27 से 30 अप्रैल तक इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। राजनांदगांव से कलमना के बीच तीसरी लाइन है, उसमें इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसके कारण रेलवे ने यह फैसला लिया है। राकेश यादव, न्यूज 18, राजनांदगांव। शिवपुरी में पिछले कई दिनों से केंद्रीय मंत्री और गुना प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित उनकी पत्नी और पुत्र चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं और इस दौरान कोलारस बस स्टैंड से गुजरते हुए प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने अचानक गाड़ी को रोककर मशहूर पान और मिठाई का लुत्फ उठाया। प्रियदर्शनी को ऐसा करता देख वहां पर भीड़ जमा हो गई और सिंधिया का जनसंपर्क और विस्तृत हो गया। और खबर जबलपुर से, जहां कबाड़ खाने के मालिक पर इनाम घोषित किया गया। दरअसल रजा मेटल इंडस्ट्री के जहां मालिक पर इनाम घोषित किया, उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने जारी किया फरार आरोपी पर इनाम। फरार है कबाड़खाने का मालिक शमीम कबाड़ी। ब्लास्ट में 2 कर्मियों की मौत हुई थी। मामले की एनआईए और एनएसजी टीम भी जांच कर रही है। आप देखिए कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी दिन यहाँ पर कई धमाके हुए थे, यहाँ तक कि जो गैस सिलेंडर होते हैं वो भी फटे थे और इसकी वजह से आसपास के कई घरों में दरारें आई थी और दरारें इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन को बुलडोजर चला के बिल्डिंग को जमींदोज करना पड़ा। कल की स्थिति थी और अब कबाड़ खाने के मालिक पर इनाम घोषित किया गया है। और बात ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां माधवगंज थाने में आग लगी। परिसर में जमा कचरे में आग लग गई। दरअसल थाने में पड़े हुए जब्त वाहनों में आग लग गई थी और कई वाहन इस दौरान जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर जाकर हालात को काबू करने का प्रयास किया और किसी तरह से हालात काबू में किए। जो गाड़ियां जब्त कर लाई जाती हैं उन गाड़ियों के ढेर में आग लग गई थी और कई वाहन जलकर राख हो गए। तो देखिए देर रात की वो तस्वीरें जिस वक्त आग को काबू करने की तमाम प्रयास किए गए हैं और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग को बुझाने की भारी मशक्कत करनी पड़ी। कचरे में आग लगी थी। माधवगंज का पूरा मामला है। और खबर ग्वालियर से, जहां बाइक सवारों ने पुलिस को पीटा। बाइक सवारों ने ट्रैफिक सिपाही की पिटाई कर दी। साइलेंसर से पटाखे की आवाज पर ये विवाद हुआ। पुलिस कर्मियों से गाली गलौज कर मारपीट की गई। एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया, 2 लोग फरार हो गए। और आप ये देखिए कि किसी भी तरीके से जो ध्वनि प्रदूषण होता है और खासतौर पर गाड़ी में जो तेज आवाज की सायरन लगाकर चलाई जाती हैं, इस पर रोक है, लेकिन फिर भी युवा मानते नहीं हैं। और इसी पर जब एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है तो युवा पुलिस ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी है ट्रैफिक कर्मी उसके साथ भिड़ गए, मारपीट करने लगे। हालांकि युवक को पकड़ लिया गया है, 2 लोग फरार हैं। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है